हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज ताबड़तोड़ दौरे हैं। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिर्जापुर, प्रयागराज और अमेठी जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10:45 पर विंध्याचल हेलीपैड मिर्जापुर पहुंचेंगे। वहीं 10:50 पर विंध्याचल मंदिर में पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी नारी वंदन कार्यक्रम में लेंगे भाग। 200 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12:25 पर लालगंज से प्रयागराज के लिए होंगे रवाना। 12:50 पर मेवालाल कॉलेज मैदान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। प्रयागराज को सीएम योगी 3800 करोड़ की देंगे सौगात। 425 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 12:50 पर मेवालाल कॉलेज मैदान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अनुसूचित मोर्चे के सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। प्रयागराज को सीएम योगी 3800 करोड़ की सौगात देंगे। 425 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे। 16 जिलों के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में बुलाया गया। 2:45 पर अमेठी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमेठी के त्रिसुंडी औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज ताबड़तोड़ दौरे, जहां पर आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पर विंध्याचल हेलीपैड मिर्जापुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पर उसके बाद 10:50 पर विंध्याचल मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी नारी वंदन कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 200 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी के द्वारा। वहीं 12:25 पर लालगंज से प्रयागराज के लिए होंगे रवाना। 12:50 पर मेवालाल कॉलेज मैदान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अनुसूचित मोर्चे के सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। प्रयागराज को सीएम योगी 3800 करोड़ की देंगे सौगात। 425 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं 12:50 पर मेवालाल कॉलेज मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अनुसूचित मोर्चे के सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। प्रयागराज को सीएम योगी 3800 करोड़ की देंगे सौगात। 425 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे मुख्यमंत्री। 16 जिलों के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में बुलाया गया। वहीं 2:45 पर अमेठी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमेठी के त्रिसुंडी औद्योगिक क्षेत्र पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज ताबड़तोड़ दौरे। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। मिर्जापुर, प्रयागराज और अमेठी जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। 10:45 पर विंध्याचल हेलीपैड मिर्जापुर पहुंचेंगे। ऐसी खबर पर अमेठी से हमारे साथ संवाददाता रणविजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणविजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आज 3 जिलों के दौरे में से अमेठी भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ जानकारी है?
रणविजय, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? रणविजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए रणविजय, फिर उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिए। जी बताइए। रणविजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आज अमेठी दौरे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं, साथ ही अतिरिक्त क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने एक दिवस के दौरे पर आज अमेठी पहुंच रहे हैं सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि सरकारी विमान से करीब 2 बजे उतरेंगे। वहीं अमेठी स्थित त्रिशुंडी के पास जो है कोको कोला कंपनी का उद्घाटन करेंगे। जी जी इसके अलावा मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम है, वो किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं, इस बारे में क्या जानकारी है? जी परियोजनाओं को लेकर बात की जाए तो चूंकि ये अमेठी जनपद के लिए बहुत ही बड़ा लोगों के लिए सौगात है, कोको कोला कंपनी जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और यहाँ तक ये जहाँ तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब हजारों के संख्या में लोगों को यहाँ पे काम मिल सकता है। जी साथ ही क्या मुख्यमंत्री कोई जनसभा भी अमेठी में संबोधित कर सकते हैं? जी जनसभा की ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इनके साथ सुबह के और कई मंत्री राज्य के उपस्थित रहेंगे, साथ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आ रही है। जी जैसा कि आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी पहुंच रही हैं और उनका भी एक दिवसीय दौरा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ उन्होंने तैयारियां करी हैं, क्योंकि प्रशासन के ऊपर एक अहम दबाव होगा, एक ही साथ दो बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं अमेठी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस महीने में लगातार दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री का दौरा बराबर अमेठी में लगा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अपनी पूरी जोर शोर कोशिश करती हुई देखी गई है। ऐसे में आज ये बड़ा कार्यक्रम है जिसको लेकर प्रशासन पिछले 4-5 दिनों से लगातार तैयारियां कर रहा है, आज तैयारियां पूरी कर चुकी है, जिसको लेकर अभी ठीक 2 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जी इसी खबर पर हमारे साथ मिर्जापुर से संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी और प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे मिर्जापुर का, जहां पर आशुतोष त्रिपाठी आपसे जानना चाहेंगे कि मिर्जापुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, साथ ही तमाम तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की बात भी सामने आ रही है, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी मैं आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पे हैं, 2:45 पे ये मिर्जापुर पहुंचेंगे, और मिर्जापुर पहुंचने के बाद यहाँ माँ दुर्गावती दर्शन करेंगे। हम आपको बताते हैं कि इनको सीएम योगी आदित्यनाथ के मिर्जापुर आने के कारण उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बिंदु कॉरिडोर भी है, इसी बहाने बिंदु कॉरिडोर के निर्माण कार्य उसके कितने कार्य पूरे हुए हैं, कितने कार्य बाकी हैं, इसकी भी जानकारी लेंगे। वहां से सीधे वो अपने जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहाँ पे लालगंज के बाबू प्रौद इंटर कॉलेज में जनसभा स्थल रखा गया है, वहाँ पे वो मातृशक्ति वंदनाओं को पुरस्कृत करेंगे। जी आशुतोष, देखा जाए तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तो सामने आ ही चुके हैं, साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब मुख्यमंत्री विंध्यवासिनी माँ के दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे तो क्या उस दौरान जो आम जन है उनके लिए मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, इस प्रकार से क्या कुछ जानकारी है, मंदिर प्रशासन ने क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं? जी हम आपको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हालांकि सीएम योगी के कार्यक्रम के मद्देनजर जो है प्रशासन जो है पहले से चौकन्ना रह गया है, और करीब जो है आधे घंटे पहले जो है आम श्रद्धालुओं के लिए जो है प्रवेश जो है वर्जित किए जाएंगे, सीएम योगी के दर्शन के बाद ही जो है उन लोगों के लिए जो है दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। जब तक सीएम योगी मंदिर प्रांगण में रहेंगे तब तक आम श्रद्धालु या आम कोई भी व्यक्ति जो है मंदिर प्रांगण में नहीं जा पाएगा, सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर ये जो है ये ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल, रुक करेंगे राहुल आपका, आपसे जानना चाहेंगे कि मिर्जापुर दौरे के बाद मुख्यमंत्री जो है वो प्रयागराज जाएंगे, तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, जैसे कि खबर सामने आ रही है तमाम तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री, अतिरिक्त क्या जानकारी है?
जी, आपसे बता दें, प्रयागराज जो है कि 12:45 पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे मेवाड़ के सोराव तहसील के मेवाड़ में आएंगे, और स्कूल है इसको इंटर कॉलेज, उसमें जाकर के लोकार्पण करेंगे। कई बताया जा रहा है कि कई जो उनके जो देना चाहते हैं सौगात, वो सौगात कई से सीमायन करेंगे और उस शिलान्यास करेंगे, और उसके बाद वो भाषण भी देंगे, ना। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है जी वो सर चढ़ के बोल रहा है कि 24 का चुनाव जो है सर पे है, इसलिए जैसे हर पार्टियां होती है कि चुनाव जब आता है अब तभी दौड़ती है, लेकिन बीजेपी ऐसी एक पार्टी है कि चुनाव से 1 साल 2 साल पहले से जी ही ताबड़तोड़ रैलियां कहें, दौरे आराम कहें, लगाइए। और जनता के बीच में कहें, और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में जाकर के, और अपनी जो प्रगति करे हैं, जो प्रगति किए हैं, जनता के बीच में दिए हैं, उसे खुद एडवर्टाइज करते हैं और बताते हैं। उसी को देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री जो है, सूबे के मुखिया जो है, वो इस समय बीजेपी में जो पहले नंबर पे मोदी, दूसरे नंबर पे योगी, इनकी जो जोड़ी चल रही है, इसे जी देखते हुए वो ताबड़तोड़ मिर्जापुर से लेकर के अमेठी से लेकर के प्रयागराज जो आज देंगे सौगात, इस सौगात को देखने के लिए जनता भी बिल्कुल उमड़ राहुल, रही है साथ कि ये भी भाई जानना सूबे के चाहेंगे मुखिया ने। कि कई तरह की परियोजनाओं की सौगात तो देंगे ही वो प्रयागराज वासियों को, और उनके क्या क्या कार्यक्रम है, क्या वो जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, साथ ही क्या वो कहीं दर्शन पूजन करने के लिए जा सकते हैं, इस प्रकार की क्या जानकारी है? जी ऐसी तो कोई सूचना अभी तक नहीं आई है, पर लेकिन आने के बाद, क्योंकि प्रोटोकॉल जो है सिर्फ जी कॉलेज के स्कूल का है, इंटरमीडिएट स्कूल का है, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर आती है तो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे और बताएंगे भी कि बिल्कुल क्या है, राहुल, पर प्रशासन ने लेकिन क्या कुछ इंतजाम किए हैं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए, क्या किसी प्रकार का रूट डायवर्जन किया गया है? जी आपसे बता दें कि जो आम जनता का था रूट, और कहीं नहीं कहीं काम चल रहा है, जो प्रगति पे काम चल रहा है उसे रोक के, वहां रोक करके डायवर्ट कर दिए हैं, क्योंकि 1 घंटा पहले बंद कर देंगे। 12:45 का यहाँ पे लोकेशन है कि 12:45 पे आ जाएंगे, उसे देखते हुए प्रशासनिक अमला ने कल से ही पूरी छावनी बना रखी है, और उसके बाद यही बताया जा रहा है कि जैमर तक की व्यवस्था रहेगी, जैमर लग जाएगा कि कोई अप्रिय घटना न घटे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे बता दें प्रयागराज सुर्खियों में रहा, चाहे वो संगम तट के नाम से जाना गया हो, और शुरू से संगम तट के नाम से जाना गया, राजनीति की भेष बताया गया कि बिल्कुल राजनीति राहुल, यही देखा चालू जाए तो जाहिर सी बात है कि प्रयागराज हमेशा से ही चर्चा में रहा हो, फिर चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी। रुक करेंगे रणविजय आपका, अमेठी में लगातार एक ही महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री अमेठी पहुंच रहे हैं, और साथ ही अमेठी वासियों को तमाम तरह के परियोजनाओं का जो है सौगात भी दे सकते हैं मुख्यमंत्री, साथ ही और क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार आ रहे हैं, तो इस बारे में देखा जाए तो जो अमेठी वासी हैं उनका क्या कुछ कहना होगा, क्या वो लगातार मुख्यमंत्री दूसरी बार आ रहे हैं तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? रणविजय अनम्यूट कर लीजिए। रणविजय अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल जी बताए, फिर देखो जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 1 महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं अमेठी दौरे पर, इस बार में देखा जाए तो जनता में कितना उत्साह देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से अमेठी में केंद्रीय मंत्री व सूबे के मुख्यमंत्री का लगातार दूसरा दौरा रहा है, ऐसे में अगर जनता की बात करें तो जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग लोग जाके इनके संबोधन को सुनने के प्रयास में रहते हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है, और अभी इससे पहले भी मुख्यमंत्री आ चुके जो जिन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास। जी बिल्कुल, देखा जाए तो तमाम तरह की जो परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री, और 3 जिलों के दौरे पर है तो जाहिर सी बात है कि तीनों जिलों के जो वासी हैं उनको काफी कुछ सौगात भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।